पहुंचता है भारत न्यूज और मैं सतना के बीच बाजार स्थित पुराना पावर हाउस जैन मंदिर के पास अशोक जैन के सोने घर में चोरों ने किया हाथ साफ, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सतना निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा ने कई वार्डों में प्रस्तावित कामों को लेकर मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से आयोजित कोरोना की समीक्षा बैठक एनआईसी कच्छ में हुई संपन्न, जिसमें कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह अन्य मौजूद रहे। आदिवासी हरिजन परिवार पिछले कई दिनों से निगम परिवार की जमीन पर बाउंड्री तोड़कर बैठे थे धरने पर। 36 डिसमिल सरकारी जमीन का है मामला। आज क्या हुआ, हम बैठे थे एक तख्त मार रखा हुआ है जहाँ हम डेली बैठते हैं। 20 मार्च के लगातार मैं भूख हड़ताल अमरा अंकल में बैठा हुआ हूँ और मेरी डिमांड ये है कि जो शासकीय जमीन 34 डिसमिल यहाँ पे बची हुई है तो उसको सुरक्षित करा के मेरे आम जनों के लिए रोड और नाली का निर्माण कराया जाए। लेकिन मेरी इस मांग को पूरी न करते हुए मैं 12 दिन से आज यहाँ बैठा हूँ तो SDM साहब को और तहसीलदार साहब को ये समय नहीं मिला। लेकिन मेरे स्वास्थ्य की उन्हें ज़्यादा चिंता है, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बहाने मुझे यहाँ से। सतना के नजीराबाद और खूती क्षेत्र में बड़े पैमाने में चल रहा है गौ तस्करी का खेल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोज रात 10 बजे नो एंट्री खुलते ही ट्रकों के पीछे चलता है गौ तस्कर का खेल। उचहरा का है मामला। एक वृद्ध महिला के जमीन पर कुछ दबंग कर रहे कब्जा, वृद्धा के साथ कर रहे मारपीट और करते हैं गाली गलौज। प्रशासन की मदद के लिए दर दर भटक रही महिला, कोई सुनवाई नहीं। सतना के शेरगंज में चल रहे धरना प्रदर्शन में महिलाओं का है आरोप कि उनके साथ जबरदस्ती कर उठाया गया और मारपीट की गई। क्या लोगों को अपना मत रखने का अधिकार नहीं है? गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा, भारी पुलिस बल मौजूद। रीवा जिले में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर संडे को किया गया संपूर्ण रूप से लॉकडाउन। सतना जिले के नागौद के पवैया ग्राम में खेत में लगी आग बुझाने गए फायर ब्रिगेड में लगी आग, जिसमें फायर का एक कर्मचारी हुआ घायल। फायर ब्रिगेड में समय पर नहीं हो रहा मेंटेनेंस का कार्य, जिम्मेदारों की आंखों में बंधी हुई है पट्टी। सतना नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदा में दर्जनों किसानों की फसल जलकर हुई खाक। कई बार सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा प्रशासन। अगर समय से मिलती मदद तो बचाई जा सकती थी फसल। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।